नमस्कार मित्रों, ऑल इंडिया सराफा बाजार में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑल इंडिया सराफा बाजार के प्रोजेक्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप वेब में जाकर ऊपर जहां पर कर्सर है www.allindiasarafabazaar.com टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उसे एंटर कर देंगे और देखिए इस तरह से हमारे ऑल इंडिया सराफा बाजार का पेज खुल जाएगा। अब आप प्रमोशनल SMS आप लिख रहे होंगे सामने, उस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक पेज खुल गया है और आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज खुल जाता है, क्रिएट ए न्यू अकाउंट। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में बस आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी फर्म का नाम और ये सेंडर आईडी जो आप लिखा देख रहे हैं, सेंडर आईडी में आपको अपनी दुकान से रिलेटेड या आपकी फर्म से रिलेटेड 6 डिजिट की आईडी आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि आपकी दुकान फर्म या फर्म का नाम XYZ है और आगरा की है तो AGR। अब ये आईडी आपकी पहचान होगी कि जब भी आप मैसेज करेंगे आगे कभी किसी को तो उसे पता चलेगी कि ये आईडी आपकी फर्म से मैसेज आया है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, वैलिड वाला मोबाइल नंबर जो कि करंट में यूज हो रहा हो और उसके बाद पासवर्ड और आप साइन अप कर देंगे। साइन अप करते ही हमारी कंपनी की तरफ से एक वेरिफिकेशन का मैसेज आपके पास आएगा उसी मोबाइल नंबर पर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है। जैसे ही वो मैसेज आ जाएगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया होगा। उसके बाद आप लॉगिन वाले पार्ट पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन वाले पोर्शन में आप वही ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाली थी और नीचे पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन के बटन को दबाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक पेज खुल गया है ऑल इंडिया सराफा बाजार और वहां पर लिखा आ रहा है वेलकम और आपका नाम और उसके नीचे लिखा आ रहा है बैलेंस 3000 SMS। ये आपके SMS है जो 3000 एक महीने के लिए आपको मिले हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसके इस्तेमाल का जरिया क्या है। सबसे पहला आपने कर्सर देखा है जो सिंगल सेंड सिंगल SMS, इसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति को एक समय पर SMS करने के लिए किया जा सकता है। आपकी सेंडर आईडी जो आपने भरी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले से ही ऊपर वाले बॉक्स में आ रही है, उसके नीचे आपको नंबर टाइप करना है। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में आप अपना मैसेज टाइप करके सेंड वाले बटन पर दबाएंगे, मैसेज सेंड एक व्यक्ति को हो जाएगा। उसके बाद आप उसके नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे जो है सेंड ग्रुप SMS। ये ग्रुप SMS का मतलब है आपको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं कि आप सराफा व्यवसायी हैं तो सोना भी आपके यहाँ सेल होता है, चांदी भी सेल होती है, रत्न भी सेल होते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप बनाने के लिए आपको उसके नीचे वाले मैनेज ग्रुप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सीधे हाथ की तरफ एक धन का निशान बना हुआ है और एड न्यू लिखा आ रहा है। उस निशान को आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल गया, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। तो आपको उसमें नाम भर देना है, जैसे आप चाहे सिल्वर भर दीजिए और उसके नीचे आप कुछ भी डाल सकते हैं, पाजेब पायल कुछ भी जैसे आपकी डिटेल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप क्रिएट ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम जब आपने ग्रुप बना लिए तो उसमें कॉन्टैक्ट चाहिएंगे। अब आपको उसके लिए उसके नीचे वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, ऐड कॉन्टैक्ट। अब ऐड कॉन्टैक्ट में आप क्लाइंट का नाम भरिए, नीचे उसका मोबाइल नंबर। अब उसे आपको जिस ग्रुप में डालना है, चाहे वो सिल्वर वाला क्लाइंट हो या गोल्ड वाला, जिस ग्रुप में आपको डालना है जैसे आपने ग्रुप बनाए हैं उसमें आप ले जा करके डाल दीजिए। अभी आपके ग्रुप बन चुके हैं, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके नीचे आता है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट। इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट इसलिए है कि अगर आप एक साथ कई सारे नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको एक डाउनलोड सैंपल फाइल आप साइड में देख रहे हैं, वहां पर बस आपको सिर्फ सैंपल फाइल लिखा उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक्सेल की एक शीट खुल जाएगी जिसमें कि आप देख रहे हैं कि नेम और नंबर, यानी नाम और नंबर, आप कोई भी नाम उसके बगल में नंबर, अब इस तरह से कई सारे इकट्ठे नंबर आप इस शीट पर बना करके इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको क्रॉस करके चूज फाइल पर जाना है और वहां पर आप देखेंगे चूज फाइल पर कि बुक वन नाम से फाइल बन गई होगी, उसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसे जो आप ग्रुप लिखा आ रहा है इसमें किसी भी ग्रुप में जिसमें आपको ये सारे नंबर डालने थे उसे आप अपलोड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वो नंबर सब उस ग्रुप में अपलोड हो चुके हैं। इसे चेक करने के लिए आप सेंड ग्रुप SMS में जाएंगे और उस ग्रुप में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो सारे नंबर उसमें इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब आप इम्पोर्ट किए अपने मैसेज को अगर एक साथ सभी कॉन्टेक्ट को भेजना चाहते हैं तो आप किए गए कर्सर पर क्लिक करके एक साथ SMS भेज सकते हैं, अन्यथा आप अगर एक एक करके या चुनिंदा व्यक्तियों को मैसेज भेजना चाहते हैं जो कि इसमें शो हो रहे हैं उनको आप ऐसे कर्सर पर क्लिक करके भेज सकते हैं और आप सेंड SMS पहले क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मैसेज आसानी से पहुंच चुके हैं। अब आप आते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट पर। लास्ट ऑप्शन है जो हिस्ट्री, ये आपके लास्ट के 10 किए हुए SMS को दर्शाता है, बाकी सबको डिलीट ऑटोमेटिक कर देता है। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए सीधे हाथ पर एक चिन्ह बना हुआ है, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है देखिए प्रोफाइल और लॉग आउट। तो आप सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहां से आप अपनी सुविधा अनुसार फर्म की जो डिटेल्स भरी हुई है, चाहे पासवर्ड हो, ईमेल आईडी हो या फर्म का सेंडर आईडी हो, जो भी चाहे आप उसे अपडेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। अब जब आपने देख रहे हैं नीचे एक लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है, इस लॉग आउट को जब आप क्लिक करेंगे तो आप प्रमोशनल SMS से बाहर आ जाएंगे। आशा है आपको प्रमोशनल SMS का इस्तेमाल करना इस वीडियो के माध्यम से भली भांति समझ में आ गया होगा, पर यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे क्वेरी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि यहीं पर हमारे होम पेज के नीचे जाकर दिए हुए हैं। धन्यवाद।